subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नवी मुंबई के नेहरू सेक्टर 6 में शुरू हुआ क्यूस नेचुरल का पहला स्टोर। होकर हर प्रोडक्ट को मिलावटी बना दिया है। ऐसे मिलावटी प्रोडक्ट्स खाने पीने और इस्तेमाल करने में तो अच्छे लगते हैं, परंतु शरीर के लिए उतने ही हानिकारक होते हैं। ऐसे में शरीर को शुद्ध प्रोडक्ट से जोड़ने के लिए क्यूस नेचुरल केयर विद क्वालिटी ऐसा ब्रांड है जिनके किसी भी प्रोडक्ट में मिलावट नहीं है। क्यूस काफी सालों से इंडिया के बाहरी देशों में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा था, परंतु अब इन प्रोडक्ट्स का लाभ इंडिया के लोग भी ले सकेंगे। क्यूस नेचुरल ने अपना पहला स्टोर नवी मुंबई के नेहरू सेक्टर 6 में आज शुरू किया। इस स्टोर का उद्घाटन पूर्व सांसद संजीव नाइक के हाथों से हुआ। क्यूस नेचुरल के इस स्टोर पर शुद्ध देसी गाय का घी, गुड़, रॉक सॉल्ट, हर्बल सोप, नेचुरल प्री मिक्स टी, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सीसम ऑयल, गर्नट ऑयल, कोकोनट ऑयल जैसे प्रोडक्ट मिलेंगे। इसकी अधिक जानकारी सोमा टंडन और सोमनाथ बधन ने दी। सी एक्चुअली हम लोगों ने ये ब्रांड इंडिया में लॉन्च किया है अभी एक्चुअली, और संजीव नाइक जी इन्होंने इनॉग्रेट किया है। हम इसमें नेचुरल फूड्स ये करना चाहते हैं, ऑयल एंड नेचुरल फूड्स का सब ये करना चाहते हैं। फिलहाल हम घी, मस्टर्ड ऑयल, सीसम ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल ये कर रहे हैं। ऑल्सो जैगरी एंड रॉक सॉल्ट एब्सोल्युटली प्योर, एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक, और कोल्ड प्रेस्ड वुड प्रेस्ड ऑयल है ये स्पेशली। हमारा मोटो बेसिकली केयर विद क्वालिटी, हम लोगों को हेल्थ केयर देना चाहते हैं और क्वालिटी के साथ, तो प्रोडक्ट्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और ये हमने इंडिया में एक्चुअली आज ब्रांड लॉन्च किया है, दुकान थोड़े दिन पहले खुला है, लेकिन ये ब्रांड लॉन्च के लिए हम अपना बाज़ार, डी मार्ट, बड़े बड़े जगह में रखने वाले हमारे प्रोडक्ट्स। हमारा अफ्रीका में भी ब्रांच है, जहाँ वो तंजानिया से ये हो रहा है, दुबई में हम खोलना चाहते हैं, और अभी इन इंडिया हम स्प्रेड करना पड़ेगा। द नेक्स्ट दिस वी आर प्लानिंग इज गोवा। ये बेसिकली ब्रांडिंग के लिए है, सेलिंग वी विल डू थ्रू अदर आउटलेट्स। ब्रँड पार्ट केला आहे क्यूस नॅचरल म्हणून। हे सर्व कोल्ड प्रेस ऑइल आहेत, म्हणजे लाकडी घाण्यापासून काढलेले तेल पारंपरिक पद्धतीने, याच्यात कुठलंही केमिकल यूज केलेलं नसतं। फक्त घाण्यामध्ये, लाकडी घाण्यामध्ये सीड टाकायचं, लाकडी घाण्यामध्ये सीड टाकायचं आणि त्याला काही RPM मोटरने फिरवायचं आणि खाली लगेच तेल निघतं। 45 मिनटात एक घाणा पूर्ण होत असतो, कुठल्या याच्यात काही प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस नसते। हे 100% शरीरासाठी खूप चांगलं असतं। पूर्वी जसं रिफाईंड तेल चालत होतं, त्यात बरेचसे केमिकल वगैरे येत होते, त्याच्यापेक्षा हे नक्की शरीरासाठी खूप चांगलं असतं। त्याचा एक पार्ट म्हणून आम्ही एक क्यूस नॅचरल एक ब्रँड चालू केला, आत्ता आम्ही नेरूळला चालू केला। असं आम्ही सर्व प्रकारचं कुकिंग ऑइल सर तयार करतो, त्यासोबत रॉक सॉल्ट आहे, जॅगरी पावडर आहे, जॅगरी आहे, असे बरेचसे नॅचरल ऑर्गॅनिक प्रोडक्ट तयार करतो आम्ही। हे सीड जे वापरतो ते 100% ऑर्गॅनिकच वापरतो, सर्टिफाईड ऑर्गॅनिक असतं ते, आणि ते सीड वापरून आम्ही चांगलं तेल तयार करत असतो। आणि हेतू एकच आहे की सर्व पब्लिकपर्यंत चांगला पदार्थ खाण्यात जावा, केमिकल यूज होऊ नये, आणि त्यांचं शरीर, त्यांची शरीर यष्टी हेल्दी असावी, त्यासाठी हा एक प्रयत्न आहे। नक्कीच यात यश पण मिळत आहे। आणि माझी एकच विनंती असेल पूर्ण भारतीयांना की चांगल्यात चांगले नॅचरली आणि ऑर्गॅनिक वस्तू खायला, पदार्थ खायला सुरुवात करावी, ही एक माझी एक रिक्वेस्ट असेल। लेकिन इन्होने ये जो सोप यहाँ पर चालू किया है तो बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है और 100% नेचुरल है। और इससे जो अपनी बीमारियाँ लगती है, जैसे कि कैंसर है, डायबिटीज़ है, फिर थायराइड होता है, बहुत सारा होता है, वो सब चीज़ हाइजेनिक प्रोडक्ट खाने से ही होता है। लेकिन अभी कैसा है, हम लोग तो, हमारा बिजनेस है तो हमारे पास तो जो कंपनी है उसको बेचना हमारा काम है। लेकिन ये जो चीज़ है मेरे हाथ में जो है, 100% नेचुरल है,
ये जो लोग थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन क्वालिटी का 100% गारंटी है और ये हमारे दुकान के अंदर प्योरिटी और हमारे दुकान के अंदर ही अवेलेबल मिलेगा। इस अवसर पर पूर्व सांसद संजीव नाइक ने क्यूस नेचुरल का पहला स्टोर नवी मुंबई में शुरू होने पर खुशी जताई और बधाई देते हुए नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। पौराणिक समय से आप देखेंगे हजारों सालों से कि हम लोग जड़ी बूटी से उस वक्त कई लोगों को बीमारियां ठीक करते थे। अभी के तरीके की होम्योपैथी कोई था नहीं है, वो टाइम में सब जड़ी बूटी चीज़ों को देखकर लोग ठीक हुए, बीमारियां ठीक हुई है। लेकिन आज के दिन में हम जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है, अभी जैसे मैंने देखा यहाँ मैंने ऑयल, तो ये ऑयल है प्योर ऑर्गेनिक सीड से बनाया हुआ और जो कहते हैं कि नहीं कि जो घाना होता है प्रॉपर उसको ग्राइंडिंग करके बनाया हुआ है। तो मैं समझ रहा हूँ ऐसे नेचुरल चीज़ों को हमको इस्तेमाल करना चाहिए। अभी केंद्र सरकार और महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि हमको ऑर्गेनिक चीज़ों में ज़्यादा आगे जाना चाहिए। वर्ल्ड यानी कि पूरा विश्व अभी ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि हमें, और ये हमारी संस्कृति है, हमारे देश का इतिहास है कि ये सब चीज़ें हमारे देश से शुरू हुई है, हमारे भारत से शुरू हुई है, तो उसको तो हमने पहले इस्तेमाल करे। और इसमें आपके आगे आने वाले जो प्रॉब्लम्स है वो इसमें से नष्ट हो जाएंगे, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, इस तरीके का ये काम है। नेचुरल चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को लाने के लिए बढ़ावा देगी तो एक दिन ऐसा होगा कि बाकी के सभी चीज़ों जो है जिसमें केमिकल्स है, जिसमें हमारे शरीर को तकलीफ होने वाली चीज है, जिससे हमें कैंसर हो सकता है, वो चीज़ें होगी नहीं और आने वाला समय ये सुखमय होगा। मैं लोगों से अपील करूँगा कि ये जो चीज़ें हैं जिसको हम लोग कहते कि नेचुरल नैसर्गिक आयुर्वेदिक चीज़ों के लिए ज़्यादा हमें जाना चाहिए, तो इसका इस्तेमाल कीजिए और अपना सेहत तंदुरुस्त रखिए। वीडियो जर्नलिस्ट अनिश बाबर के साथ तनु यादव, आवाज टुडे, नवी मुंबई। सब्सक्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़।